तो मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैजेंटो के अंदर सीएमएस पेजेस कैसे ऐड किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट नाम का ऑप्शन है। आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे, फिर पेजेस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से एक पेजेस का डैशबोर्ड में ये खुल जाएंगे। आपके जो बाकी के पेजेस हैं, जैसे प्राइवेसी, एनेबल कुकीज, होम पेज, ये पूरे यहाँ पर बने हुए हैं, ये खुल जाएंगे। तो आपको फिर नया पेज ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आप ऐड न्यू पेज पर जाएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर एक शिपिंग नाम का एक पेज बनाएंगे जो हम आपको डेमो में देंगे। शिपिंग, यहाँ पे आप कोई भी रिलेटिव वेबसाइट का बेस्ड URL दे सकते हैं और हम इसे ऑल स्टोर व्यूज पर रखेंगे। याद रखना दोस्तों, ये स्टेटस अनेबल होना चाहिए। अगर आपका स्टेटस अनेबल नहीं होगा तो आपके होम पेज पे ये शो नहीं होगा। तो नेक्स्ट फेज होगा, हम फिर कंटेंट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कंटेंट की हेडिंग दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने कंटेंट कॉपी कर रखा है फ्लिपकार्ट से, तो मैं उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ये शिपिंग से रिलेटेड कंटेंट है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ से अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, विजेट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर टेबल का भी ऑप्शन है, ये देखिए, इंसर्ट एडिट टेबल। आप कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, HTML भी यूज़ कर सकते हैं, HTML सोर्स, कलर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स मीडिया भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो एडिटर है, तो मैं इसके लिए ट्यूटोरियल्स आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल इस पर ही ध्यान दें। तो इसके बाद फिर हम डिज़ाइन पर जाते हैं। ये मोस्टली डिज़ाइन जो यूज़ होता है हमारे लेआउट के लिए यूज़ होता है। लेआउट मतलब जो आपके फ्रंट एंड पर दिख रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है। जैसे कि आपका टू वन कॉलम्स है, वन कॉलम मतलब पूरे पूरे एक पेज पे सिर्फ आपका वो शिपिंग ही लिखा हुआ आएगा। जैसे टू कॉलम्स है, इसमें दो कॉलम्स होंगी और लेफ्ट साइड लेफ्ट बार होगा, इसी तरीके से बाकी सब होंगे एम्प्टी, मतलब जो भी खाली होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, मेटा। मेटा में क्या होता है, यहाँ पे आपके कीवर्ड्स, जिस कीवर्ड्स, ये मोस्टली आपका SEO पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप, जो भी आपके कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। जैसे कि हमारा शिपिंग का है, तो एक शिपिंग नाम का कीवर्ड ले लीजिए, और ये मोस्टली SEO के लिए यूज़ होता है। और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो मेन आपके लिए SEO में काम आता है। तो आप इसके थ्रू आप SEO भी कर सकते हैं अपने इस पेज का, अगर आप करना चाहते हैं। तो फिर हम सेव पेज करेंगे। ये देखिए, हमारे पास एक शिपिंग नाम का पेज क्रिएट हो गया। हम इसको प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास एक पेज क्रिएट हो गया शिपिंग नाम का। आप इसे, अगर आपको ये अजीब सा लग रहा है, तो आप इसके लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। लेआउट चेंज कर सकते हैं, वहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे, को टू कॉलम सम टू कॉलम लेफ्ट बार करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, इधर स्पेस आ गया। ये देखिए, अब फिर भी थोड़ा ठीक सा लग रहा है। इसी तरीके से आप चूज़ करके देख सकते हैं, जिस तरीके का आप लेआउट चाहते हैं लेआउट कर सकते हैं। और वहाँ पर एक ऑप्शन और है XML अपडेट लेआउट का, अगर आप कोई XML के थ्रू लेआउट अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। लाइक, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियोज़, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। अब टेक केयर, बाय दोस्तों।